नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे शिव की मदर के बारे में। शिव के बारे में तो हम बहुत बोल चुके हैं कि बहुत अच्छा है, तो लेकिन अभी फैमिली वीक चल रहा है, तो क्यों ना जो फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करें। तो सबके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, मैं स्पेसिफिक कोई नहीं कह रहा हूँ, बट शिव के बारे में बात करना चाहिए। थोड़ी शिव की मदर मतलब बहुत काफी इमोशनल सा लगा जो जब वो आई, और आपने देखा होगा कि उन्होंने भाई सबसे बहुत अच्छे से बात करी। तो मतलब अब्दू को, स्टैन को, मतलब जो ये तो इसके ग्रुप वाले हैं, प्रियंका को, सुम्बुल को, एक टीना के साथ। तो मतलब मेरे को लगा उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि टीना मतलब पता नहीं कैसे क्या कर रही, किस बिहेव से, बट टीना को छोड़ के उन्होंने सबसे अच्छे से बात करी। अर्चना से भी, अर्चना मतलब बोला कि भाई अर्चना तेरे हाथ से पहली बार मैं खाना खा रही हूँ, मैंने कभी बाहर खाना नहीं खाया, और क्या नाम है उसका कि खाने में चिक चिक मत करा कर, प्यार से मतलब समझाया सब लोगों को। और एक जो मेन उन्होंने बात करी जो मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली यार, मतलब उन्होंने शालिन के बारे में पता नहीं क्यों इतना फोकस रखा। उन्होंने देखो शिव को कितनी बार बोला कि शिव यार तुम इसको मौका दो, शालिन को मौका दो, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये तुम्हारे पास आता है लेकिन तुम लोग इसको फेक है फेक ऐसे करके निकाल देते हो, ये प्रियंका और के पास जाता है वो लोग भी इसको ऐसे करके निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यार तुम इसको, ये बहुत अच्छा बंदा है, उन्होंने बताया शालिन के बारे में। और मुझे भी लगता है कि शालिन इज ए गुड बॉय मैन, बाकी पता नहीं आ रहा असली में क्या है। और उन्होंने ये भी उसको सलाह दी कि भाई तुम इसको एक चांस दो, तुम इसको चांस दोगे कि भाई ये कैप्टन बनेगा, ये तुम्हें दुआ देगा, तो मतलब तुम इसका अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे बारे में अच्छा होगा, भगवान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा, मतलब तुम इसके बारे में बुरा मत बोलो ताकि भाई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा ना आए। तो उन्होंने भी एक अच्छा जैनविन बहुत अच्छा सलाह दिया और सबको इमोशनल करके गई हैं। बाकी सब लोग भी जितने भी आ रहे हैं, फराह खान आती है, या सैम सिस्टम की मदर आ रही है, या क्या नाम है निमृत के फादर आ रहे हैं, अर्चना का भाई तो अपना कॉमेडी कर ही रहा है, मतलब अर्चना की तरह पूरा मतलब पूरा हाइपर एक्टिव है वो जैसे, और पूरा डांस वांस कर रहा है जो आपने देखा, वो काफी फन पार्ट भी है। तो आई थिंक वो शी मतलब शिव की मदर इज ऑल्सो वेरी गोल्ड हार्टेड लेडी, जो मतलब उन्होंने किसी के अगेंस्ट मतलब कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं बोला, सबके बारे में अच्छा बोला, सबको अच्छा सजेस्ट किया और सबको बताया भाई कहीं कहाँ क्या गलती है, कुछ है तो थोड़ा बहुत तो उन्होंने सबको सजेस्ट किया। तो आई थिंक यही हमारा शिव की मदर के बारे में, शी इज ए गुड लेडी। तो वैसे ही आप हमारे विचार बिग बॉस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।